हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का SMC 360 के एक और नए सेगमेंट में। मेरा नाम है ध्रुव गुरुंग और आज भी हम तैयार हैं कुछ ताजातरीन खबरों के साथ। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी खबर आ रही है जिसकी अपडेट सुन सुन के पूरी PC टेक कम्युनिटी के लोग थक चुके हैं, यानी कि GTA 6 के बारे में खबर है कि अब फाइनली रॉकस्टार जो गेम्स हैं उन्होंने ये लीक्स दे दिए हैं, कॉन्क्रीट ये उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि हम जल्द ही जो है GTA 5 यानी कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो को उसके जो उसकी सिक्स इंस्टॉलमेंट है उसको लॉन्च होता हुआ देख पाएंगे। और इस पर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है PC टेक कम्युनिटी में। इवन ट्विटर पे हम आए दिन इसके ऊपर लोगों के जो है फीडबैक देख सकते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर मिस्टर जेसन श्रेरर उन्होंने सनसनी मचा दी है एक बात बोल के कि हम इस साल जो है उसको लॉन्च होने की खबर सुन सकते हैं और फिर हम इसकी रिलीज डेट सुनेंगे 2023 की, जो फॉल्स रिलीज डेट होगी यानी कि एक झूठी डेट होगी और फिर इस गेम को 2024 के लिए आगे स्किप कर दिया जाएगा। वैसे तो अभी रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 के रिलीज डेट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं दी है और ना ही हम ये कह रहे हैं कि जिसने जो स्टेटमेंट दी है वो सही है, लेकिन अब लोग इतना ज़्यादा वेट कर करके परेशान हो चुके हैं कि वो भी अब जेसन के इस जो उनके बयान है उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक तरह से उनका एक तरीका है, उनका एक ये आउटरेज है GTA 6 गेम के डेवलपर्स को उनके मतलब गरियाने की, ये एक प्रक्रिया है। तो होपफुली अगर GTA 6 के जो गेम्स के डेवलपर हैं अगर वो ये खबर देख रहे हैं, वो ये सब देख पा रहे हैं, तो अब तो उनको अब इस गेम के बारे में कुछ सीरियसली खबर आगे देनी चाहिए। तो अगली खबर है उन सभी देशभक्तों के लिए जो मेड इन इंडिया जो है मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और बी इंडियन बाय इंडियन की जो फिलॉसफी है उसका जो है बढ़ चढ़ के समर्थन करते हैं। तो बेसिकली एक बैटल रॉयल गेम हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्द ही। बेसिकली पुणे बेस्ड एक कंपनी है सुपर गेमिंग करके, उन्होंने एक नया बैटल रॉयल जो गेम है उसे लॉन्च करने की जो है घोषणा कर दी है, जिसका नाम है इंडस। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है एक प्रेस रिलीज में इस कंपनी के CEO रॉबी जॉन ने, और उन्होंने कहा है एंड आई कोट, हम ये आशा करते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया बनाने में कामयाब रहे हैं जो रिलेटेबल है, अपने आप पे कंप्लीट है, और इसमें आप गन्स गेम प्ले के भी आप जो हैं लुत्फ़ उठा पाएंगे, आपको इसमें एडवेंचरस जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, आप कई सरप्राइजेस इसमें जो है हमने प्लान किए हैं आप सभी के लिए, जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गेम में जिसका नाम है इंडस। अब ये गेम भी जो है वो बाकी ही बैटल रॉयल गेम की तरह ही होगी, मतलब ये फ्री टू यूज़ है सभी बैटल रॉयल गेम की तरह, लेकिन आपको अगेन यहाँ पर जो कुछ इसमें कस्टमाइजेशन करनी है, आपको स्पेशल कुछ स्किन्स चाहिए गेम्स में, आपको कुछ आपको कपड़े चाहिए या फिर इस तरह के कुछ मर्चेंडाइज अगर आपको चाहिए तो आप वो कुछ जो है आपकी धनराशि कम करनी पड़ेगी। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है गेम जिस तरीके से मेड इन इंडिया मूवमेंट चल रही है, तो शायद हम इस गेम को फाइनली जो है बड़ा होते देखेंगे और शायद फौजी के बाद एक्चुअल में कोई ऐसी गेम आ सकती है जो सीरियसली गेमिंग कम्युनिटी में कोई इम्पैक्ट छोड़ पाए। तो अगली खबर आ रही है AMD के गलियारों से और उनके एक इंजीनियर ने ये रिवील किया है कि हम जल्द ही जो है उनके RDNA 3 के जो GPUs है उसमें MCM टेक्नोलॉजी यूज होते हुए देख पाएंगे। दरअसल AMD इन्फिनिटी डाटा फैब्रिक सिलिकॉन डिजाइन इंजीनियर जो है उनके, उन्होंने ये खुलासा किया है कि हम जल्द ही RDNA 3 GPUs के अंदर जो है मल्टी नोट GPU डिज़ाइन जो है वो देख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि AMD की तरफ से उनके आने वाले RDNA 3 GPUs है उसमें हम 5 नैनोमीटर और 6 नैनोमीटर के जो उनके आर्किटेक्चर के डिज़ाइन है उसका एक हम मिश्रण यानी कि मिक्स होता हुआ देख पाएंगे, जो अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही तरह का आर्किटेक्चर होगा। वैसे हम AMD की जो CEO हैं यानी कि डॉक्टर लीजा सू जी, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि हम AMD के जो अगले नेक्स्ट जनरेशन GPUs हैं वो 2022 में जो है हम लॉन्च होता हुआ देख पाएंगे। ऐसे में उनका जो आने वाला जो नया MCM डिज़ाइन है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकता है शेडर काउंट्स को, और होपफुली वो फिर अपने जो नया उन्होंने मोनोलिथिक जो चिप का डिज़ाइन वो बना रहे हैं उसकी वजह से वो कंपीट कर पाए NVIDIA के नए आने वाले RTX 40
ADA लवलेस रेंज को, और इवन इंटेल के जो हम आने वाले आर्क एल्केमिस्ट जो कार्ड्स हैं उनसे वो कम्पीट कर पाए, क्योंकि ये सभी अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो अलग तरह के आर्किटेक्चर को पुश कर रही हैं अपने GPUs को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। तो इन सभी खबरों से हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम इन बड़े जायंट ब्रांड्स को आपस में जो टेक्नोलॉजी की जंग है वो लड़ते हुए देख पाएंगे, जिससे कि डायरेक्टली जो बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है आप और हमारे ऐसे एंड यूजर को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको SMC 360 की जो ये न्यूज़ है, जो सेगमेंट था आज का, वो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम जल्द ही आने वाले समय में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला पाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक कुछ और नहीं बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज रूबरू फ्रॉम SMC इंटरनेशनल साइनिंग ऑफ।